इन कॉन्टिन्यूएशन टू द इम्विक, इम्विक टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, उधर मैंने आपको बताया इम्विक टेस्ट जो है वो आपको एंट्रिक बैक्टीरिया को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंट्रिक बैक्टीरिया हैं कौन कौन से, हु आर एंट्रिक ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई करते हैं इम्विक से, बायोकेमिकल टेस्ट से आप किन किन को डिवाइड करते हैं, सॉरी किन किन को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली हमारे पास दो किस्म के एंट्रिक बैक्टीरियाज हैं, वन यू कॉल एज लैक्टोज फर्मेंटर्स, एंड अनादर यू कॉल एज नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं कि एंट्रिक ऑर्गेनिजम्स कौन हैं, तो ब्रॉडली उनके दो क्लासेस हैं, लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स। अब हम देखेंगे लैक्टोज फर्मेंटर्स कौन कौन है। इट इज ईकोलाई, ठीक है, इट इज एंट्रोबैक्टर एरोजेन्स, ओके, थर्ड वन इज क्लेब्सिला निमोनिया, ओके, दीज आर द थ्री मेजर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज। अब बात करेंगे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज की, सल्मोनेला टाइफीडियम, सैल्मोनेला टाइफी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, दो आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ओके, शिजेला डिसेंट्री, ओके, प्रोटियस वल्गैरिस, सीडोमोनास एरोजेन्स, ओके, देन इट इज अल्केलजेन्स फेशियलिस, स्टूडेंट्स दीज आर लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड दीज आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग एंट्रिक बैक्टीरियाज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द यूजुअली द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड आर वेरी इजीली आइडेंटिफाइड यूजिंग द इम्विक मेथड। मैं कुछ बता रही हूँ आपको कि हमारे पास कुछ नॉन एंट्रिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं वो भी बताऊंगी वो कौन कौन से हैं जो इम्विक से आइडेंटिफाई होते हैं नॉन एंट्रिक। There are some non-entric bacteria who can be identified by Imbic. मैं बताती हूँ कौन है। Corynebacterium xerosus. इन्हें students जब आप copy पे लिख